हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मास्टर के चैनल पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना पॉलिनोमियल्स। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक्स है वो है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एट ए गिवन पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो आपका डेफिनेशन है वो है कि लेट पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पी एक्स क्या है, एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एंड अल्फा इज एनी रियल वैल्यू, और अल्फा क्या है, एनी रियल वैल्यू है, एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पी एक्स, देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पी एक्स। अगर अपन पी एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं एट ए गिवन पॉइंट अल्फा, और अल्फा जो पॉइंट आपको गिवन है उस पे, देन वी पुट द एक्स इज इक्वल टू अल्फा इन ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह अल्फा पुट करना पड़ेगा। जैसे लेट्स से आपको पी एक्स जो है वो गिवेन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट गिवेन पॉइंट अल्फा, अल्फा पे मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो आपको क्या करोगे, मैंने क्या बोला है एक्स की जगह अल्फा पुट कर दो, तो पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी, ठीक है जी। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एट ए गिवन पॉइंट। मतलब एज फॉर एग्जाम्पल अगर ले ले अपन, जैसे पी एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस 10, ठीक है जी। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट 2 पे अगर मैं वैल्यू पूछना आपसे चाह रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10, तो दिस इज इक्वल टू पी ऑफ 2 कितना आ गया बेटा, P of 2 is equal to 4 plus 10 plus 10. तो P of 2 is equal to 24. This is your answer. ये आपका answer हो गया, ठीक है जी। तो I hope कि आपको किसी भी point पे polynomial expression का value निकालना आ गया होगा। Next जो आपका topic है ये सबसे important topic है, अब आपका zeros of polynomial। अब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भैया, जीरोज क्या होता है आइए देखते हैं, आइए जरा देखते हैं जीरोज होता क्या है। तो जीरोज क्या होता है जरा देखते हैं, तो मैं बोल रहा हूं ए रियल वैल्यू अल्फा इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, देन पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देन पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है, तो भैया जीरो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक ऐसा वैल्यू है जिस पे जो जब मैं वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो उस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो के इक्वल, तभी अपन बोलेंगे कि ये पॉइंट या फिर ये रियल नंबर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जीरोज है। अदरवाइज अपन बोल देंगे कि वो ये जो पॉइंट आपका रियल नंबर आया ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जीरोज नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और मैं बोल रहा हूं कि माइनस 4 इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है जी, पी ऑफ माइनस 4 निकालो। पी ऑफ माइनस 4 कैसे निकालोगे, एक्स की जगह माइनस 4 रखना है आपको, तो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर 7 इंटू माइनस 4 प्लस 12, तो पी ऑफ माइनस 4 यहां से बेटा क्या आ गया, 16 माइनस 28 प्लस 12, तो पी ऑफ माइनस 4 बेटा क्या आया यहां से देखिए, 28 प्लस का 28 माइनस का कट के हो गया ये जीरो,
तो P of -4 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो देखिए -4 रखने पे ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, जीरो के इक्वल हो गई। तो अपन बोलेंगे -4 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर जीरो की इक्वल नहीं होती तो अपन बोल देते कि दिस वैल्यू इज नॉट ए जीरो ऑफ ए दिस पॉलिनोमियल। जैसे 4 ही रख दो, तो 4 रखने पे अब क्या आएगा, यहां से 16 और यहां आ जाएगा 28 और प्लस 12। तो क्या 16 प्लस 28 प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो? नो, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं होगा ना। तो क्या क्या होगा, 4 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो एक ऐसा वैल्यू है किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, जब वो वैल्यू अगर उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट किया जाए तो पूरा वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा, जीरो के इक्वल टू, किसका इक्वल हो जाए, जीरो के। सब सिंपल भाषा में आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात आता है कि भैया जीरोस तो ठीक है, अब जीरोस निकालते कैसे हैं, जीरोस निकालते कैसे हैं, कैसे निकालेंगे जीरोस? तो भैया जीरोस निकालने के तीन वो होते हैं, तीन मेथड है। पहला मेथड जो है आता है, आप पढ़ना है जो आपको यहाँ पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा आता है स्क्वायरिंग मेथड, दूसरा कौन सा होता है बेटा, स्क्वायरिंग मेथड। और तीसरा जो मेथड आपका आता है वो आता है श्रीधराचार्य जी, श्री जी आ जाते हैं, ठीक है जी। तो अभी जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है किस, कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये तीनों मेथड किसके हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करने के लिए काम में आता है ये तीनों मेथड। किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में ये तीनों मेथड काम में आता है। अब ये फैक्टराइजेशन भैया क्या होता है, फैक्टराइजेशन सर क्या होता क्या है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मतलब क्या समझ में आता है आपको, तोड़ना, तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ फोड़ करना। तो अब आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एक मिलेगा, उसको आपको तोड़ के और उसका क्या निकालना है, आपको जीरोज निकालना है, ठीक है जी। अब ये फैक्टराइजेशन होता कैसे है, जरा फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का बेटा फैक्टराइजेशन होता कैसे है जरा देखिए। बहुत सिंपल है, तीन चार स्टेप में पूरा फैक्टराइजेशन अपन करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे आपके पास एक पी एक्स गिवेन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये पी एक्स आपको गिवेन है। अब इसका फैक्टराइजेशन आपको निकालना है, सॉरी अरे इरेजर भैया अपना काम तो दिखाओ इरेजर जी, ठीक है जी। तो आइए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं जरा देखते हैं, किसको फैक्टराइजेशन करना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को। देखिए पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट टर्म जो भी हाईएस्ट पावर में है पॉलिनोमियल में, जो भी हाईएस्ट पावर पावर वाला टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना और साइड में लिख लेना। तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू 12, एक्स स्क्वायर इंटू 12 कितना हो गया बेटा, 12x स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब कितना आया ये 12x स्क्वायर। अब इस 12, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्या आया बीच में, नाम क्या है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म में क्या बेटा है, 7x। अब जो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लीकेशन करके जो आया है, जो मल्टीप्लाई करके आया है, उसको क्या करना है, दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जिसका ध्यान से सुनना, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के बराबर हो, जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटा किसके बराबर हो, मिडिल टर्म के बराबर। तो 12x स्क्वायर का ऐसे दो टर्म में कौन से तोड़े जो क्या आ जाए, 7x प्लस का 7x। तो एक तो आता है 4x और एक आ जाएगा 3x, 4 प्लस 3 7 और x 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x, ठीक है जी। अब बात आती है कि ये दो एक ही कंडीशन इस पे लगेगा क्या, कि दो टर्म को तोड़ के मिडिल टर्म के बराबर बनाना है, नहीं, जो आप दो टर्म में तोड़ रहे हो उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बेटा किसके इक्वल होना चाहिए, फिर से 12x स्क्वायर के इक्वल,
ठीक है जी। तो 4x इंटू 3x कितना होता है बेटा, 4x इंटू 3x 12x2। ठीक है जी, तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x और 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 12x2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, यानी ये दोनों टर्म को अपन ये जो आपका पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है इसको यही दो टर्म में आप तोड़ सकते हो। और कोई टर्म ले लो, और कोई टर्म ले लो। बोलोगे भैया 5 + 2 7 होता है, हाँ जी होता है। 5 × 2 कितना होता है बेटा, 10। 12 तो नहीं होता ना, उसका मल्टीप्लिकेशन भी उतना ही बनाना है जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन पे आपका आया है। ठीक है जी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, फैक्टर अप करके कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है जी, अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको लेना है कॉमन। अब कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन मतलब होता है समान। समान क्या मतलब, जो कॉमन किस में लिया जाता है, जहां दोनों चीज मतलब जिसके पास एक जैसा दोनों चीज अवेलेबल हो। अब देखिए यहां पे इसके पास x है, इसके पास भी x है, इसके पास 4 नहीं है, इसके पास 4 है, तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, x। अब बात आती है x तो ले लेंगे सर, कितना x लें, इसके पास कितने x है बेटा, 2, इसके पास x कितना है, 1। तो कॉमन कभी भी छोटे वाले को देख के लिया जाता है, तो कितने इसके पास कितने हैं, 1, तो इसके हिसाब से तो 1x कॉमन लोगे आप। तो इसके पास 2 था तो कितना बचा, 1, और इसके पास 1 था तो गया, तो बचा 4। अब आएगा प्लस, अब यहां देखिए इसके पास x है क्या, हाँ है, इसके पास है क्या, नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है क्या, हाँ 3 है, 4 × 3 जा कितना होता है, 12, तो 3 तो है ना, तो इसको लिख दो आप 3x प्लस 4x, 4 × 3, तो x प्लस 4, x इंटू 4 प्लस x इंटू x प्लस 4 प्लस 3x। अब देखिए इसके पास भी 3 है, इसके पास तो 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 4। ठीक है जी, अब देखिए चेक करने का मेथड क्या होता है, चेक करने का आपका मेथड होता क्या है, कैसे चेक करें कि अपन ने सही किया या गलत। जो आपका यहाँ ब्रैकेट में बना है वही ब्रैकेट में यहाँ बनना चाहिए। अगर कुछ भी अंतर आ रहा है, प्लस माइनस का भी अगर डिफरेंस आ रहा है, तो अपन बोलेंगे, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ गलती किया है। अब एक जैसे ही दो हैं तो किसी एक को आप पकड़ लोगे, एक को ले लो, तो एक तो आया एक्स प्लस 3, और दूसरा एक कौन सा फैक्टर आ जाएगा, एक्स प्लस 4। अब यहां से आपको जीरोज निकालना है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो जीरो के इक्वल, तो एक्स प्लस 3 को इक्वेट कर दो जीरो के, कॉमा देके एक्स प्लस 4 को भी इक्वेट कर दो जीरो के, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। अब दो वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन का जो आपको एक्सप्रेशन गिवेन है, जो आपको एक्सप्रेशन गिवेन है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, जीरो के इक्वल, क्योंकि एक्स की जो ये दो वैल्यू आई है ये क्या है, इस एक्सप्रेशन के जीरोज हैं, जीरोज हैं। तो जीरोज क्या होता है बेटा, जीरोज एक ऐसी वैल्यू होता है इस किसी भी एक्सप्रेशन का, जो अपन पुट करते हैं तो पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरोज के इक्वल हो जाए। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो पहले टर्म पे सब देखना है वेरिएबल किस में चल रहा है, सबसे जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना है। अब वो कांस्टेंट टर्म जो आया है उसको ऐसे तोड़ना है जो यहाँ पे मिडिल टर्म पे लिखा है, नेगेटिव साइन के साथ विद साइन बनना चाहिए बेटा। ये प्लस का 7x है तो यहाँ प्लस का ही 7x इसका बनना चाहिए, ऐसे दो टर्म में इसको तोड़ना है। अगर माइनस का 7 होता तो इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना होता जो माइनस का 7x बनाए। ठीक है, तो इसको ऐसे दो टर्म में जो तोड़ना है, जो हाईएस्ट पावर डिग्री वाला टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन आया है उसको, कि मिडिल वाला टर्म उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन मिडिल वाले टर्म के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है आपको, ये काम हो गया। अब उसका यही नहीं कि बस मिडिल टर्म के बराबर बनाना है, उसका फिर से मल्टीप्लिकेशन कितना बराबर, किसके इक्वल होना चाहिए, जो आपने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन करके लाया, यानी 12x² के बराबर। ठीक है जी, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तब अपन उसको उसी फैक्टर में तोड़ देंगे। ठीक है जी, 4x प्लस 3 में मैंने तोड़ दिया 7x को, उसके बाद अपन ने कॉमन लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इससे आगे जो कंटिन्यू करना है आपका। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।